नमस्कार, आप देख रहे हैं वज्रपात न्यूज। ट्रक समेत 7 लाख के कोल्ड ड्रिंक लूट की घटना को 15 घंटे में उद्भेदन। कोल्ड ड्रिंक बरामद भांगा थाना क्षेत्र से और ट्रक मिला लक्सौल से। आपराधिक गिरफ्त से बाहर, छापेमारी जारी। बीती से मोहन सिंह की रिपोर्ट। लौरिया थाना क्षेत्र से 7 अप्रैल की 3:45 सुबह कोल्ड ड्रिंक से भरे ट्रक लूट ली गई। पुलिस ने 15 घंटे के अंदर बरामद कर लिया। उक्त जानकारी देते हुए बेतिया पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि 7 अप्रैल की सुबह लौरिया थाना क्षेत्र के बेतिया लौरिया चौक से 2 किलोमीटर आगे अपराधियों ने कोल्ड ड्रिंक से भरे ट्रक को लूटकर भागने में सफल रहे। जिस संबंध में ट्रक चालक सह मालिक मनमेंद्र सिंह, पिता शिवशंकर सिंह, साकिन चमरडीहा, थाना खड्डा, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के फर्द बयान पर लौरिया थाना में कांड दर्ज किया गया। इस कांड के उद्भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक के द्वारा नरकटिया का जनमंडल पुलिस पदाधिकारी कुंदन कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर उसी दिन शाम में पूर्वी चंपारण के रक्सौल थाना क्षेत्र से लूटी हुई ट्रक नंबर UP 56/80-3488 को बरामद कर लिया गया। साथ ही लूटे हुए विभिन्न कंपनियों के कोल्ड ड्रिंक भांगा थाना क्षेत्र के रामपुर में बेहरी गांव से बरामद कर लिया गया, जिसकी कीमत 7 लाख रुपये बताई गई है। उन्होंने बताया कि लूट में शामिल अपराधी कर्मियों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार सघन छापेमारी